और चलिए अब बात करेंगे यातायात व्यवस्था को लेकर फर्स्ट इंडिया के रियलिटी चेक की। जयपुर में ट्रैफिक की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। सुबह और शाम को ऑफिस टाइम में ट्रैफिक जैम की समस्या सबसे ज्यादा रहती है। शहर में कई बड़े चौराहों से एक बार के ग्रीन सिग्नल में वाहन का निकल पाना संभव नहीं होता। वहीं शहर में कई चौराहे ऐसे भी हैं जहां पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की गैर मौजूदगी में अव्यवस्थित रूप से यातायात चलता है। वहीं शहर में ट्रैफिक व्यवस्था के हालात देखे फर्स्ट इंडिया न्यूज संवाददाता काशीराम चौधरी ने। राजधानी जयपुर में लगातार ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है और आलम यह है कि सुबह और शाम के समय में जब ऑफिस आवर्स होते हैं तब आम वाहन चालकों को निकलना बड़ा मुश्किल होता है। शहर के कई बड़े चौराहे ऐसे हैं जहां पर रेड लाइट का समय एक मिनट से भी ज़्यादा होता है, करीब 100 सेकंड तक का समय होता है और इस वजह से जो वाहन चालक हैं उनको एक बार में निकलना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। शहर का चाहे रामबाग सर्किल हो, चाहे नारायण सिंह सर्किल हो या शहर के दूसरे सर्किल हों, उन सभी पर सुबह और शाम के समय में जब ऑफिस आवर्स होते हैं तब अत्यधिक ट्रैफिक की कतारें लगती हैं। रामबाग सर्किल की अगर आप नज़ारा देखेंगे यहाँ पर तो एक बार में निकलना बड़ा मुश्किल होता है और इसी तरह की परेशानी जो पैदल लोग होते हैं उनको दूसरी भुगतनी पड़ती है। उन पैदल लोगों को एक बार में निकलना संभव नहीं हो पाता है, उनके लिए अलग से जब ग्रीन लाइट होती है उस दौरान ट्रैफिक पुलिस की मदद से ही वो यहाँ पर निकल सकते हैं। लो फ्लोर बसें जो कि पर्याप्त संख्या में होनी चाहिए, आज से जब 8 साल पहले 300 बसें थी आज उनकी संख्या घटकर आधी से भी कम रह गई है। इसी तरह की संख्या जबकि उनकी कम से कम 500 से ज़्यादा लो फ्लोर बसें होनी चाहिए। मेट्रो का विस्तार नहीं हो सका है, मेट्रो का दूसरा फेज जो कि सीतापुरा से अम्बाबाड़ी को जोड़ने वाला था वो फेज शुरू नहीं हो सका है और उसी की वजह है कि आज शहर में सड़कों पर लगातार कारों की कतार दिखाई देती है। निजी कारें जिनमें कि केवल एक यात्री सफर कर रहा होता है, कार पूलिंग का आइडिया आज बढ़ नहीं रहा है। एक ही ऑफिस के काम करने वाले लोग अलग अलग वाहनों में आते हैं जिसकी वजह से शहरों पर ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा है। कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी के साथ काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।